बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी इंस्टेंट चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी, आप उसको ओरियो डेजर्ट भी कह सकते हैं, आप उसको चॉकलेट डेजर्ट भी कह सकते हैं, जो आपको इसका नाम देना है आप वो दीजिए। बस ये इंस्टेंट सा बनने वाला है, झटपट सा, मज़ेदार सा। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखें सिंपल, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें ये ना तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून ऑफ चीनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपका टेस्ट हो, अपने टेस्ट बड के हिसाब से आप स्वीटनेस जितनी आपको पसंद है। और यहाँ पर देखें 2 साशे ना हमारे पास इंस्टेंट जो चॉकलेट पुडिंग साशे आते हैं ना, वो मैं अभी आपको उसका पैकेट दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखें 1 लीटर मिल्क, जिसको हमने सिंपल मैंने बॉइलिंग पर चढ़ा दिया था, और उसी में से मैंने थोड़ा सा रिजर्व करके जो अलग बोल में अभी आपको नजर आए, वो इसी में से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी 1/2 कप जितनी बचा ली थी, ठीक है, 1/2 से 1 कप जितने, जिसके अंदर हम अपने पुडिंग को मिक्स करके इसके अंदर हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, आपने ना दूध के अंदर आपने चीनी ऐड कर देनी है, और आपने बस इसको हल्की फ्लेम पर ना, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। जैसे ही आपको बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर ये जो हमारे जो पुडिंग मिक्स के साशे होंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करके फिर आपने ये ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए रोजमोर का चॉकलेट डेजर्ट, ये हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर 1/2 लीटर के अंदर 1 साशे ज़्यादा है, मैं यहाँ पर 1 लीटर का बना रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट्स ले लिए थे, ठीक है। इस एक बॉक्स के अंदर ना तकरीबन 3 साशे आते हैं, यानी कि आपका 1.5 लीटर आराम से बन जाता है, और बहुत इकोनॉमिकली ये मिल जाता है। तो बस आपने देखा सिंपल 1 कप दूध के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको विस्क के जरिए आपने इसको डाइल्यूट कर लेना है, डिजॉल्व कर लेना है, कि कोई भी लंप ना हो, बिल्कुल लंप फ्री स्मूथ सा मिक्सचर आपका बन जाए। और यहाँ पर देखें हमारा दूध अच्छे तरीके से बॉयल आ गया था, इसी आपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही ना आपने ये जो पुडिंग मिक्सचर है ना, आपने इसको अच्छे से ऐड कर देना है। और आपने ऐड करते के साथ ही आपने इसको कंटिन्यूसली विस्क चलाते रहना है, ताकि आपकी अच्छी सी स्मूथ सी, आपकी गाढ़ी सी ना, थिक सी पुडिंग बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा जो इसका पुडिंग का मिक्सचर होगा, और फिर ये जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा, और फिर ये मज़ेदार नहीं बनकर रेडी होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, इतना टेस्टी ये बनके तैयार होता है, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मज़े का। तो आप यहाँ पर देखें कितना ग्लॉसी सा, बिल्कुल शाइनी सा हमारा पुडिंग मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पर रख देंगे, और हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी जो फाइनल क्लियरिंग होंगी ना, वो हम जब करेंगे। आप देखें मैं मुसलसल विस्क चला रही थी, और मैंने इसको तकरीबन पुडिंग मिक्सचर ऐड करने के बाद भी मैंने इसको 5 मिनट्स तक कुक किया था, ठीक है। तो मैंने इसको मुसलसल विस्क चलाया था, ताकि इसके ऊपर कोई भी मलाई की जो एक लेयर सी आ जाती है ना, थिक सी, कोई भी वो ना बने, और आपकी बिल्कुल स्मूथ सी पुडिंग बनकर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसके फाइनल क्लियरिंग की चीज़ें, यहाँ पर देखें चॉकलेट सिरप है मेरे पास, और यहाँ पर देखें सिंपल मैंने ओरियोज ले लिए थे। यहाँ पर देखें मैंने 100 रुपीज़ के ओरियोज लिए थे, मैं आपको एक सिंपल सा हिसाब बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने सिंपल क्रश कर लिया, और वहाँ पर आप देख रहे थे एक टेट्रा पैक की क्रीम थी। अब देखें सिंपल मैं लेयरिंग कर रही हूँ, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, आप अपने हिसाब से अपने डिजर्ट को अरेंज कीजिएगा जैसा आपको पसंद हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट बॉल है उसके अंदर मैंने ये जो अपना पुडिंग मिक्सचर था ये ऐड कर दिया, और मैंने इस तरीके से पूरी लेयर मैंने क्रश किए हुए ओरियो की लगा दी। अब आपको ओरियोज होल पसंद है, क्रश किए हुए पसंद है, बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा आपको, मुझे ये थोड़े से क्रश किए हुए पसंद है, और मुझे ना उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत कॉम्प्लीमेंट लगता है ना इस वाली पुडिंग मिक्सर के साथ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ओरियो बिस्किट ऐड किए थे। आपको कैंडी बिस्किट, मैरी बिस्किट जो आपको पसंद है आप वो ऐड कीजिएगा, मगर आप मेरी रिकमेंडेशन पर आप ओरियो ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सिंपल, देखिए मैंने पैकेट की क्रीम ली, मैंने कोई इसके अंदर बीट नहीं करा, कोई मैंने इसके अंदर शुगर वगैरह नहीं ऐड करी, मैंने एज इट इज़ इसको इसके अंदर डाला, और मैंने इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया। और अब मैं इसको सिंपल चॉकलेट सॉस से ना डेकोरेट करके मैं इसको अच्छे से सजा दूंगी। तो यहाँ पर एक हमारा सिंपल सा हमारा डेजर्ट कप बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से बस मैंने डाला, और अब इसको मैं इसको जो है ना, वो जो टूथपिक हो या आपके पास कोई भी नाइफ हो, कुछ भी हो आपके पास, आप उससे ना इसको अच्छे से इसके स्वर्ल बना लीजिएगा, तो इससे क्या होगा एक मार्बल सा इफेक्ट आ जाता है, देखें कितना प्यारा सा देखें लग रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। देखें यहाँ पर इसी तरीके से, देखें यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 कप्स रेडी कर लिए थे, इतनी क्वांटिटी मेरे आराम से हो गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें किसी के अंदर ना मैंने बेस के अंदर ओरियो डाल दिया था, फिर ये कस्टर्ड डाला था, फिर मैंने क्रीम डाल दिया था, किसी के अंदर मैंने बेस में क्रीम डाल दी थी। तो अब आप अपने हिसाब से अपने डेजर्ट कप्स को अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने वो सारे आपको नहीं वो बता पाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है पूरी, तो इस वजह से मैंने जो है एक शॉर्ट वे में आपको बता दिया है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने ना देखिए इसी सेम डेजर्ट बॉक्स है ना, आपको मैंने एक और भी रेसिपी बनाना सिखाई है, जो मैंने लास्ट ईयर सिखाई थी, जो मेरे ब्राउनी डेजर्ट की रेसिपी, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।